गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. इन लास्ट क्लास वी प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स ई जी के एंड म्यू, दैट इज ई इक्वल टू 2g1 प्लस म्यू एंड ई इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू फॉर डिफॉर्मेबल क्यूबिकल एलिमेंट. That means by using a deformable cubical element. Here in this video, we are going to see the relationship between E, K and G and also discussed some important points regarding competition of different examinations. So let's get started. We know that from the last two lectures, E equal to 2G1 plus mu and E equal to 3K1 minus 2 mu, where E equal to Young's modulus of elasticity, G equal to modulus of rigidity, K equal to Buck modulus of elasticity, and mu is equal to Poisson's ratio. So the relation between E, G and K can be established by eliminating mu from equation 1 and 2. Let us consider this is equation 1 and this is equation 2. So, यहां से हम म्यू के वैल्यू को एलिमिनेट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से. आफ्टर एलिमिनेटिंग वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 ई डिवाइडेड 2g इक्वल टू 1 प्लस म्यू. एंड यहां से म्यू का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो म्यू इक्वल टू ई डिवाइडेड 2g माइनस 1. म्यू का वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 से एलिमिनेट किया. नाउ इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 मेरा क्या था, E इक्वल टू 3k1 माइनस 2 म्यू. दैट इज आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू, E इक्वल टू 3k1 माइनस 2 इंटू E डिवाइडेड 2g माइनस 1. That means after the breaking this bracket, 3k1 minus e divided g plus 2, and after this we get 3k3 minus e divided g, 2 plus 1 3 minus e divided j. ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9k minus 3ke divided g. So, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि e plus 3ke divided g equal to 9k, क्योंकि मेरा e equal to क्या है, 9k minus 3ke divided g. So, यहां पे e common ले लेंगे, दोनों में e common है, तो 1 plus 3k divided g equal to 9k. Now, E equal to LCM लेंगे यहाँ पे तो g हो जाएगा, g ऊपर जाएगा, g plus 3k equal to 9k. That is, E equal to यहाँ से आ रहा है मेरा 9k divided g plus 3k divided g. That means कह सकते हैं कि 9kg divided g plus 3k. That is, यहाँ से E equal to 9kg divided g plus 3k. इस तरह से मैंने k, g और e में relation को find out किया. From equation 1 and 2 से, equation 1 के according क्या है, E equal to 2g1 plus mu, and equation 3 क्या है, 3k1 minus 2 mu. यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2g म्यू प्लस 3k माइनस 6k म्यू. दैट इज कह सकते हैं कि 2g म्यू प्लस 6k म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g. दैट इज म्यू अगर कॉमन लेंगे यहां से तो क्या हो जाएगा, 2g प्लस 6k इक्वल टू 3k माइनस 2g. दैट इज म्यू का वैल्यू यहां से फाइंड आउट होता है 3k माइनस 2g डिवाइडेड 2g प्लस
तो यहां से मैंने के और जी के टर्म्स में म्यू का वैल्यू फाउंड आउट कर लिया। म्यू को हम लोग 1 बटा एम से भी डिनोट करते हैं, सो 1 बाई एम इक्वल टू 3 के माइनस 2 जी डिवाइडेड 2 जी प्लस 6 के। इस तरह से मैंने यहाँ पे ई का वैल्यू 9 के जी डिवाइडेड जी प्लस 3 के एंड म्यू का वैल्यू 3 के माइनस 2 जी डिवाइडेड 2 जी प्लस 6 के फाइंड आउट कर लिया। नाउ मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी के एंड ई के टर्म्स में कुछ अपर एंड लोअर लिमिट्स होते हैं, दैट इज म्यू जी एंड के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू होते हैं। जैसे अगर म्यू का वैल्यू 0 और हाफ के बीच में हो तो जी का जो वैल्यू होता है ई बाई 2 से ई बाई 3 के बीच में होता है इन टर्म्स ऑफ ई, जी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ई, एंड के का वैल्यू जो होता है इन टर्म्स ऑफ ई बाई 3 एंड इंफिनिटी। ई मीन्स यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड के इक्वल टू बक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड म्यू इक्वल टू पॉइजंस रेशियो। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे दिखाया कि अगर म्यू का वैल्यू 0 से हाफ के बीच में रहे, दैट इज वी कैन से दैट इफ म्यू का अगर वैल्यू 0 से हाफ के बीच में हो तो जो मेरा जी का वैल्यू होगा वो ई बाई 3 एंड ई बाई 2 के बीच में या इसके बराबर होगा, एंड मेरा के का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ई बाई 3 एंड इंफिनिटी के बीच में लाइक करेगा। एंड फ्रेंड्स मैंने लेक्चर 3 में बताया था कि म्यू का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। फॉर एग्जांपल म्यू का जो वैल्यू होता है रबर के लिए, रबर केस में वो 0.5 होता है, म्यू का जो वैल्यू होता है कॉर्क के केस में वो 0 होता है, एंड म्यू का वैल्यू कंक्रीट के केस में 0.1 होता है। इस तरह से म्यू का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होता है, एंड म्यू का जो वैल्यू मेटल्स के लिए जो होता है 1/4 to 1/3 होता है, 1/4 से 1/3 के बीच में लाई करता है। सो एक और चीज है यहाँ पे, इफ मैंने यहाँ बताया कि म्यू का वैल्यू 0 से हाफ के बीच में होगा तो क्या होगा, यदि म्यू का वैल्यू मेरा 1/4 से 1/3 के बीच में होगा, कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल में बताया कि मेटल्स के लिए क्या होता है 1/4 से 1/3, तो म्यू का वैल्यू अगर 1/4 से 1/3 के लिए होगा तो इस केस में जी का वैल्यू क्या होगा, इस केस में जी का वैल्यू होगा 0.4e से होगा ये 0.375 के बीच में, एंड जो k का जो वैल्यू होगा वो 0.67e से किसके बीच में होगा, e के बीच में होगा, 0.67 से 1 के बीच में होगा। ये सारे जो मैंने जो वैल्यू बताए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा e greater than k greater than g होगा, दैट इज कह सकते हैं कि g लेस देन k एंड k लेस देन e, ये रिलेशन यहाँ से हम लोग को फाइंड आउट होता है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, सो वीडियो के पसंद आने पे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें फॉर मोटिवेशन, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।